नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को चैनल के माध्यम से छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों छठ महापर्व सुरक्षित तरीके से मनाया जाए, इसको लेकर यहाँ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, एक एडवाइजरी जारी किया गया है, तो इसको लेकर इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। दोस्तों छठ पूजा को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है वो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा की गई है। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप यदि छठ पूजा के लिए नदियों तालाबों या नहरों के किनारे जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान जरूर दें। चिन्हित घाटों पर ही छठ पूजा करें, घाटों पर छोटे बच्चों को साथ लेकर ना जाएं। यदि छोटे बच्चों को घाट पर ले जाएं तो उनकी जेब में घर का पता और मोबाइल नंबर अवश्य रख दें। किसी प्रकार की समस्या होने पर कृत पदाधिकारियों स्वयं सेवकों से ही संपर्क करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भीड़ नियंत्रण से संबंधित एवं अन्य सूचनाओं को ध्यान से सुने। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। किसी भी आपदा स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। क्या नहीं करना है यहाँ पे दर्शाया गया है, बैरिकेटिंग को पार ना करें और खतरनाक घाटों की ओर गहरे पानी में न जाएं। गहरे पानी में खड़े होकर सेल्फी न लें, अफवाहें न फैलाएं और न ही उन पर विश्वास करें। किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। भीड़ वाली जगहों पर हुमाद का प्रयोग न करें। पटाखे कदापि न जलाएं। तो यहाँ पे जो एडवाइजरी जारी किया गया है इसमें स्वच्छता अभियान का ख्याल रखा गया है। स्वच्छता को लेकर यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी न फैलाएं ऐसा दर्शाया गया है और पटाखों पर बिल्कुल पाबंदी लगाया गया है। जहां भी भीड़ भाड़ है वहां पे पटाखा नहीं चलाना है। घर में आग लगने की जो संभावनाएं आ जाती है उसको लेकर यह एडवाइजरी जारी किया गया है। तो छठ घाटों में अगर किसी प्रकार की समस्याएं आती है, किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता पड़ जाती है तो आप लोग टोल फ्री नंबर 1070 पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। और अगर आप मोबाइल नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, 7070290170। इस नंबर पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से छठ महापर्व सुरक्षित तरीके से मनाया जाए इसके लिए बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। तो इस एडवाइजरी को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी छठ महापर्व को लेकर आपको किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हो या आपके छठ घाटों पर जो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो काम किया गया है उसमें अनियमितता पाई जा रही हो तो उसको लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने रहे हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।